हरियाणा यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की अध्यक्ष में ये बैठक हुई। सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। बैठक के बाद दीपक बावरिया का बयान भी सामने आया है। राजनीति में युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। युवाओं को मौका देने की बात की गई है। प्रयास रहेगा चुनाव में 50% उम्मीदवार युवा हो। विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन पर बावरिया ने कहा 31 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। सभी मजबूत आवेदनकर्ता के नाम का सर्वे होगा। जो मेरिट में ऊपर होगा वही आगे बढ़ेगा। ये बावरिया की तरफ से बयान दिया गया है। चुनाव में यूथ कांग्रेस की अहम भूमिका होगी, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका दे रही है। युवाओं को मौका देने की बात देखिए कही गई है। हर लिस्ट में युवाओं को मौका दिया जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। लोकसभा में हरियाणा में 3 टिकटें अंबाला, करनाल और रोहतक युवा चेहरे थे कांग्रेस के। विधानसभा में किस तरीके से बात उम्मीद है की जाए, 9 में से 3 सीटें लोकसभा में थी, विधानसभा को लेकर कायदे से तो 50% होना चाहिए। आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आने वाले दिनों में हरियाणा में युवाओं का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। विधानसभा चुनावों को लेकर के आवेदन के लिए कहा गया है कि जो इच्छुक हैं वो 31 जुलाई तक का समय है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है? कोई क्राइटेरिया नहीं है। चुनाव जीत सकता है जिसकी छवि ठीक ठाक है और जो है पार्टी के साथ प्रतिबद्ध है, पार्टी विचारधारा से प्रतिबद्ध है, टीम वर्क में मानता है, उसको आगे किया जाएगा। जिसका नाम सर्वे में आता है और जो सही तरीके से उभर रहा है मेरिट्स में, उसको आगे करेंगे। जितरन को लेकर के एक बात थी कि आपने कहा था 15 जुलाई तक, उसको लेकर हम क्या उम्मीद? ये कल परसों यानी कि 8-9-10 तारीख के बीच में कोई ना कोई मीटिंग हाईकमांड की ओर से होगी, ऐसी मुझको उम्मीद है। सर संगठन को लेकर पहले पर्यवेक्षक भी गए थे, बकायदा एक सूची भी थी, आप लोगों ने कुछ तैयार करी थी, उसके आधार पर अब आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? कुछ होमवर्क काफी तैयार है, उसको ठीक ठाक जो है फिर से सेट करने की बात है, रिफ्रेश करने की बात है। जो परिवर्तन की कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हरियाणा वासी लड़ रहे हैं, उसमें युवा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 साल के बाद देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? तो उम्मीदवारी में भी सोचते हैं आगे निश्चित लोकसभा में? तो निश्चित तौर से आपने देखा जो कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित कर रही है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का कि कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के साथियों को आगे लाने की हर जो लिस्ट आ रही है, सूची आ रही है पिछले कुछ समय से, उसमें ध्यान रखा जा रहा है। एक